हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग साधना ब्यूटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मेकअप लुक। ये मेकअप लुक बिगनर्स के लिए बेस्ट बोलूँगी मैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी के पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते हैं मेकअप के, तो उनके लिए यह मेकअप एकदम बेस्ट है, आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्राइमर लगाऊंगी, और जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा ली है, उसके बाद मैं प्राइमर लगा लूँगी। प्राइमर के लिए आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, बहुत सबसे बेस्ट रहेगा एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का प्राइमर लगाया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लैक्मी की परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन लगाई है, जो ईजिली मार्केट में 125 और 35 के समथिंग मिल जाएगी। और ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लैक्मी का फाउंडेशन। और फाउंडेशन आप हमेशा अपनी स्किन टोन से एक सीट लाइट लेना, जिससे क्या है, एकदम जब आप उसको ब्लेंड करोगे तो आपकी स्किन में एकदम परफेक्ट दिखेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं, और क्या कहते हैं, मैं इसको हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, और मैं यहाँ हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ हाथ से ही। और अगर आप हाथ से कर रहे हो तो अपने हाथों को एकदम क्लीन कर लेना, जिससे कोई डस्ट वगैरह आपकी स्किन में ना जाए और आपकी स्किन को कोई हार्म ना पहुँचे, क्योंकि जो ओपन पोर्स हैं उसमें अगर आप धूल मिट्टी चली जाएगी तो आपके ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स होने के चांसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने अच्छे से फाउंडेशन लगा ली है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आई मेकअप करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आई पे कंसीलर लगा लिया, अगर आप चाहो तो फाउंडेशन भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फाउंडेशन लगा सकते हो आप। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मैंने कंसीलर लगाया है, जिससे आईज पे थोड़ा अच्छा सा मेकअप, मतलब आई शेडो थोड़ा अच्छा सा निखर के आए, तो मैं यहाँ पर मैच करके लगा रही हूँ। मेरा सूट ग्रीन से कलर में है तो मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। आप ब्रश से लगा सकते हो, आप ब्रश से भी, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उंगलियों से, मतलब बहुत इजी रहता है, अगर आप आई मेकअप करते हो तो इजीली वो ब्लेंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आराम से लगा लूँगी, थोड़ा हल्का सा ग्रीन से कलर में शेड है तो वो मैं लगा लूँगी अपनी आईज पर अच्छे से। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा, कैमरे में इतना नहीं आ रहा है लेकिन रियल में बहुत दिख रहा था ये ग्रीन, तो हल्का सा ग्रीन है ये, तो अच्छे से मैं इसको अपनी आईज पे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर लूँगी और आउटर लाइन पर अच्छे से इस गोल्डन कलर को मैं लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पाउडर ले रही हूँ, नॉर्मल जो वाइट पाउडर होता है और आपके घर में इजीली मिल सकता है, क्योंकि जैसे वाइट टोन पाउडर हुआ, पॉन्ड्स हुआ, मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स पाउडर लिया है। इससे क्या होता है कि जो आपने फाउंडेशन लगाई है और उसके ऊपर इसको लगा लोगे तो फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाएगी और आपका फेस एकदम अच्छा दिखने लगेगा। तो मैं इसको ब्रश से लगा रही हूँ, आप हाथ से भी लगा सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से सारे फेस पर, नेक पर लगा लूँगी, और एकदम चेहरा देख सकते हो आप कितना अच्छा दिखने लगा। उसके बाद मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, ये लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, मेरा बहुत पुराना हो चुका है, अभी तो ख़त्म भी होने वाला है, तो मैं इस लैक्मी के पाउडर को लगा लूँगी, इससे अच्छे से मेकअप सेट हो जाएगा, फाउंडेशन जो मैंने लगाया हुआ था। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी, इस पेंसिल से फिल कर लूँगी अपनी आईब्रो, और आप ब्राउन कलर की भी पेंसिल ले सकते हो, मैंने यहाँ ब्लैक कलर की ली है, 10-20 रुपए की मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी। यहाँ मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, तो इसमें से ही मैं पिंक सा कलर लूँगी और अपने गालों पर लगा लूँगी, जो कि ब्लशर का काम करेगा, तो जिससे क्या है कि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने हल्का सा लगा लिया है और एकदम फेस पे अलग से ही ग्लो और शाइनिंग आ चुकी है, इसे थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है। आप देख सकते हो ओनली ब्लशर लगाने से कितना अच्छा दिखने लगा फेस, और क्या कहते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लूँगी और अपने आईब्रो के नीचे लगाऊंगी, थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी जिससे और अच्छा लुक आएगा निखर के। तो मैंने हल्का सा लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है मैंने। We'll be right back.
अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर, और आईलाइनर लगाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप कैमरे में देखकर मैं तो नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं यहाँ छोटा सा शीशा ले लिया, कॉम्पैक्ट पाउडर का ले लिया है मैंने, तो उससे मैं अपने आईलाइनर लगा रही हूँ। पहले मैंने पतला सा लगाया था आईलाइनर, फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा और थोड़ा सा मोटा लगाती हूँ, तो यहाँ पर मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, तो उसमें सही से नहीं दिख पाता कि कैसे लगा रहे हैं, इसलिए मुझे कैमरे पर भी दिखाना था और मुझे आईलाइनर भी लगाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा मिरर को साइड में कर लिया है, और मैं यहाँ पे आईलाइनर मेरा लग चुका है, देख सकते हो आप आईलाइनर लगाने के बाद कितना अच्छा लुक आ गया है। और यहाँ पे मैं ब्लैक काजल नहीं लगाऊंगी, आज मैं थोड़ा अलग मेकअप लुक क्रिएट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वाइट काजल लगाऊंगी, आप देख सकते हो ओनली आईलाइनर फिर वाइट काजल, कितना प्यारा लुक आया है। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा, और ब्लैक कलर में है ये मस्कारा, और मैं ऊपर और नीचे दोनों पलकों पे मस्कारा लगा लूँगी अच्छे से, आप देख सकते हो ओनली मस्कारा और काजल, तो मैंने वाइट लगाया है, फिर भी थोड़ा अलग लुक मैं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए मैंने वाइट काजल लगाया है, और सच में बहुत अच्छा निकल के आया है। और मैं यहाँ पे अब इसको आईलैशेज को कर्ल कर लूँगी आईलैशेज कलर से। उसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट लूँगी और हल्का सा ग्रीन शेड लूँगी, और मैंने जैसे कि आपको बताया काजल ब्लैक नहीं लगाया है, तो हल्का सा ग्रीनिश लुक देने के लिए मैं अपने आँखों के नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का सा ग्रीन लगा लूँगी आई शेडो, जिससे क्या है कि और अच्छा लुक आएगा। उसके बाद मैं अपनी नोज हाईलाइट कर लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट की ज़रूरत है उस एरिया को हाईलाइट कर लूँगी, थोड़ा चिन के नीचे और अपर लिप्स पे और नोज पे, और अपने आईज के इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे अपने फेस पर लगा लूँगी मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए, और मैं इसको अच्छे से सेट होने दूँगी। उसके बाद मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी सच में कि कौन सी बिंदी लगाऊँ, मैं सोच रही थोड़े ग्रीन कलर में लगाऊँ, बट ग्रीन कलर में जो मैं लगा रही थी वो अच्छे से मैच नहीं हो पा रही थी, और अच्छा लुक निकल के नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसको बार बार चेंज कर रही थी, बार बार बिंदियाँ चेंज कर रही थी। फाइनली फिर मैंने सोचा रेड लगाऊं, फिर मैंने दो तीन ग्रीन ट्राई करने के बाद फिर मैंने सोचा रेड लगाऊं, तो रेड लगाई मैंने, वो अच्छी लग रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं ये सिंपल हो जाएगी, थोड़ा डिजाइन में लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा छोड़ो अभी कन्फ्यूज हूँ, तो बाद में लगाती हूँ, डिसाइड करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला लिपस्टिक लगा लेती हूँ, फिर मैं लिपस्टिक लगाने लगी। पहले मैंने सोचा कि लाइट कलर में लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर नहीं मैंने सोचा हल्की सी डार्क लगा लेती हूँ, तो मैंने हल्की सी डार्क रेड इस टाइप में लगा ली है ये। और उसके बाद मैंने फाइनली मैंने बिंदी लगा ली, और मैंने डिसाइड कर ली कि चलो ठीक है ये अच्छी लग रही है, आप लोग बताना ये कैसी लग रही है मेरे पे, ये वाली बिंदी सूट कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद मैं हेयर स्टाइल डिसाइड करूँगी कि पता नहीं कि कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, तो अब मैं यहाँ पर हेयर स्टाइल कर लूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा पफ बना के पीछे क्लेचर लगा लूँ तो अच्छा लुक आएगा, फिर मैंने वो भी ट्राई किया, बट एक दो हेयर स्टाइल ट्राई करने के बाद फिर मैंने बोला नहीं ये अच्छी नहीं लग रही है, तो फाइनली मैंने साइड में मांग निकाल के, और आप देख सकते हो ये हेयर स्टाइल कर ली है, और आप बताना ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। और मैंने यहाँ पर इयर रिंग्स पहन लिए हैं, और उसके बाद मैं अपनी सारी ज्वेलरी पहन लूँगी जो भी मुझे पहनना है हल्का फुल्का, और उसके बाद आप फाइनल लुक देखना ना भूलिएगा कि फाइनल लुक कैसा है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, फाइनल लुक कैसा लग रहा है आपको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन है ना जो घंटी है उसको प्रेस करना ना भूलना, वहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे तो उस पर ऑल पर क्लिक कर देना, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।